हेलो गाइस, आप सबका खुश आमदीद है सिंधी रंधणे में। आज मैं आपके साथ साबुत मूंग की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैंने 2 कप पानी में भिगो के 6 से 8 घंटे रखा था। अब मेरे ये मूंग पकने के लिए रेडी हो चुके हैं। 2 लार्ज ऑनियन चॉप, 2-3 चॉप टमाटो, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, टर्मरिक 1/2 टीस्पून, क्रश रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, ड्राई मैंगो पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट। ये गरम मसाले हैं जो साबुत हमें इसमें मिक्स करने हैं। ये हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें हमने 4 कप वाटर डाला है। अब इसमें मैं मूंग डालूंगी क्योंकि हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें मूंग डाल दिया है। उसके बाद जो मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखा था वो इसमें मैं ऐड करूंगी। उसके बाद जो हमने साबुत गरम मसाला रखा था वो भी हम इसमें डालेंगे। अब इसको हम ढक्कन देंगे और फर्स्ट आपको जो विसल है या सीटी है वो हाई फ्लेम पे देनी है, और सेकंड जो आपको है ना लो फ्लेम पे देनी है 5 मिनट। अब हमने इसको ढक्कन लगा दिया है। अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाला है। उसके बाद हम इसमें ऑनियन जो चॉप करके रखा था वो डालेंगे। और इसको भूनेंगे, हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम लोग आगे मसाले वगैरह मिक्स करेंगे। अब ये मेरा प्याज भुन चुका है और ये लाइट ब्राउन भी हो गया है। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। अभी हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। और ये प्याज आपको जो है लो फ्लेम पे ही भूनना है। उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। अब हम इसको ढक्कन देंगे और 5 मिनट तक रखेंगे जब तक हमारे ये टमाटर गल जाएं। अब हमारी ये दाल रेडी हो चुकी है। अब हम उस तड़के में इसको मिक्स करेंगे। अब इसको ढक्कन देके 5 मिनट तक दाल को पकने देंगे तड़के में। अब हम इसमें गरम मसाला इसमें डालेंगे, हरा धनिया, उसके बाद हम 5 मिनट के लिए दोबारा इसको ढक्कन देंगे जो हमारे गरम मसाले की खुशबू है वो इसमें मिक्स हो जाए। ये मेरी साबुत मूंग की दाल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और ये रेसिपी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल पर बेल आइकॉन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा।